नमस्कार दर्शकों, बंधन समाचार में मैं हूं आपके साथ ऋचा वर्मा। खबर जिला बिजनौर के धामपुर से है, जहां आरसा महाविद्यालय में हिंदी दिवस मनाया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता प्राचार्य प्रोफेसर राजेश सिंह चौहान ने की। प्राचार्य द्वारा हिंदी भाषा के महत्व को समझाया गया एवं उन्होंने हिंदी को जोड़ने वाली संस्कारी एवं प्रेम की भाषा बताया। अनेक साहित्यकारों मुख्य रूप से मैथिली शरण गुप्त तथा मुंशी प्रेमचंद का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि सरकारों को इस प्रकार की नीतियां बनानी चाहिए जिससे हिंदी भाषा वैज्ञानिक एवं कानूनी प्रक्रिया में अधिक से अधिक प्रयोग हो सके, एक विशिष्ट स्थान प्राप्त कर सके। उन्होंने तुलसीदास के दोहे का जिक्र करते हुए कहा कि वह हिंदी में गूढ़ तथ्य सिखा गए। सचिव वैद्य गुरतीनी जो प्रिय बोल ही, भय आस राज धर्म तंतीनी, कर हुई बेगी ही नाश। इसके अतिरिक्त रहीम कबीर आदि अनेक महान पुरुषों ने हिंदी भाषा के माध्यम से समाज की दिशा परिवर्तित की है। कार्यक्रम में मुख्य अनुशासी डॉक्टर एसएस कटियार उपस्थित रहे। कार्यक्रम में संस्कृत एवं हिंदी विभाग की प्रभारी प्रोफेसर पूनम घई ने बताया कि भाषा भावनात्मक प्रस्तुति का माध्यम है हिंदी भाषा, जिसमें सरलता व तरलता दोनों है। हमारे चिंतन की भाषा हिंदी है एवं हिंदी विश्व पटल पर आत्मसम्मान प्राप्त कर रही है। मुख्य वक्ता प्रोफेसर अमित कुमार सिंह ने स्पष्ट किया कि आपका चिंतन जिस भाषा में चलता है वही मातृभाषा होती है। आज समाज में सकारात्मक बदलाव हो रहे हैं और मातृभाषा को इसी क्रम में एक उचित स्थान प्रदान किया जा रहा है। हिंदी को समझना अत्यंत आवश्यक है, जिसमें सत्यम शिवम सुंदरम का मार्ग खुलता है। कार्यक्रम में डॉक्टर अर्चना गहलोत, डॉक्टर विनय दुआ, डॉक्टर अनिल यादव, डॉक्टर सुधीर गौड़, डॉक्टर मोहम्मद नाजिम, अखिलेश, विवेक कुमार, आस्तिक, मीरा यादव, परम सिंह आदि मौजूद रहे। कार्यक्रम का संचालन राजपाला ने किया। कनुप्रिया, अर्शी, चंद्रशेखर एवं रहनुमा की प्रस्तुति पर उन्हें प्राचार्य द्वारा सम्मानित किया गया। और इसी के साथ जुड़ रहे बंधन समाचार के साथ।